हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे लीनियर सर्च कैसे होता है ऑन एरेज। सो वी हैव स्टार्टेड विद एरेज। हमने देखा कि हम एरे की नॉर्मल प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं। अब एरे पे होने वाले कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास, जिसमें से सर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। सो व्हेन यू हैव टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन एन एरे, तो दो तरीके से वो हो सकती है। एक है लीनियर सर्च, एक है बाइनरी सर्च। मैं आपको दोनों एक एक करके बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मतलब कितने टाइम में ऑन एवरेज आपका रिजल्ट आ जाता है अगर आप लीनियर सर्च यूज़ कर रहे हो या बाइनरी सर्च, और किस सिचुएशन में कौन सी बेटर होती है। सो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट सीरीज फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, कि आपको बहुत 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 बेनिफिशियल है क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो होता ही है BCA BTech में डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके अलावा प्लेसमेंट्स में ये बहुत बहुत काम आती है। सो अगर आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, सो शुरू से ही अपना डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपने लॉजिक्स क्लियर रखेंगे। सो लेट्स सी कि लीनियर सर्च एग्जैक्टली होता क्या है। सो लीनियर का मतलब है इन अ लाइन, है ना। हमने जब फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन की थी तो आई टोल्ड यू कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो लीनियर का मतलब वही है जो चीज़ एक लाइन में हो। सो अगर आपके पास एक एरे है, ठीक है, इफ़ यू हैव दिस एरे and you have certain set of values in it. So मेरे पास यहाँ पर कुछ numbers हैं जो यहाँ पर stored हैं, and if I want to look for a value in this, मुझे यहाँ पर किसी value को ढूँढना है, तो क्या तरीका है कि आप एक एक करके सबसे compare करते जाओ, है ना। So that is one method कि मुझे अगर search करना है यहाँ पर 35 को, तो मैं पहले देखूं कि क्या जो मेरा नंबर है वो A0 के इक्वल है या नहीं। अगर तो है, इट इज़ फाउंड, हो गया काम, स्टॉप इट। अगर नहीं है, सो मूव अहेड, उससे भी मैच नहीं करता है, मूव अहेड एंड सो ऑन। जहां पर मैच करेगा वी विल से इट इज़ फाउंड एंड वी शुड स्टॉप इफ़ वी आर रिज्यूमिंग कि नंबर एक ही बार हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा बार हो सकता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, बट इफ़ यू आर रिज्यूमिंग कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो एरे में एक ही बार है, सो जहाँ मिल गया वहाँ पर आप कहोगे फाउंड एंड यू विल स्टॉप, अदरवाइज वी विल कीप गोइंग अहेड जब तक आपकी एरे ख़त्म नहीं हो जाता। और जब ख़त्म हो जाएगा, कभी भी मैच नहीं हुआ, सो वी कैन कंक्लूड कि नंबर एरे में नहीं है। सो दैट इज़ लीनियर सर्च। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपका जो नंबर है वो नम नाम के एक वेरिएबल में इनपुट करवा लिया। ए मेरे एरे का नाम है, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू चेक कि क्या ए ज़ीरो पे जो है वो नंबर के इक्वल है। अगर है तो स्टॉप, अगर नहीं है सो आई नीड टू चेक कि क्या ए वन नंबर के इक्वल है, क्या ए टू नंबर के इक्वल है, एंड सो ऑन अप टू जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो ये लूप मैक्सिमम कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स मिनिमम। हो सकता है पहली बारी में ही मैच कर जाए तो फर्स्ट पे ही रुक जाएगा। सो ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि ये n अपॉन 2 कंपैरिजंस करता है। एवरेज ले लिया ना कि मैक्सिमम n टाइम्स है, मिनिमम एक बार, बीच में कहीं पे भी हो सकता है। सो ऑन एवरेज इट मेक्स n अपॉन 2 कंपैरिजंस। अब जब आप किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हो, व्हेन यू चेक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेक होती है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन होती है, थीटा नोटेशन होती है, पर हम सिर्फ ओमेगा नोटेशन के हम सिर्फ बिग ओ नोटेशन से कंपैरिजन करते हैं। सो इसमें एन की हाईएस्ट पावर क्या है, एन। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च विल बी ओ एन। सो इन बिग ओ नोटेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज ओ एन। आई हैव अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैंने आपको ओमेगा, थीटा, ये सारी नोटेशन एक्सप्लेन की हुई है, सो यू कैन वॉच दैट फॉर फर्दर रेफरेंस, ठीक है। बट लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये है। अब आपको एल्गोरिथम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, या प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है। एल्गोरिथम या सूडो कोड जो होता है वो क्या होता है, दैट इज़ इन अ लेमैन लैंग्वेज, मतलब वो स्पेसिफिक टू किसी कोडिंग लैंग्वेज नहीं होता, वो काफ़ी जनरल होता है ना। उसे कहते हैं हम एल्गोरिथम या फिर सूडो कोड। सो एल्गोरिथम और सूडो कोड किसी भी लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होते हैं, वो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। सो उसको तो आप जनरल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इनपुट अ नंबर, देन कंपेयर इट विद एवरी नंबर इन द एरे, ठीक है,
एंड जहाँ पे मिल जाए इट इज़ फाउंड. सो आई कैन राइट इनपुट अ नंबर इन नम और आई कैन राइट रीड नम. सो अगर आपके पास एरे है और आप एक इंडेक्स यूज करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, फिर हमें रिपीट करना है. रिपीट कब तक करना है? टिल आई इज लेस देन एन. चेक क्या करना है कि अगर ए आई पे पड़ा हुआ एलिमेंट आपके नम के इक्वल है देन यू विल से इट इज फाउंड, है ना? देन वी विल से दैट इट इज फाउंड. सो आप प्रिंट फाउंड लिखो या फाउंड लिखो, दैट इज अप टू यू. और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है तो वी कैन एग्जिट फ्रॉम हियर. ठीक है, अदरवाइज आई जो है वो वन से इंक्रीज होना चाहिए एंड इट शुड कीप चेकिंग. और लूप से बाहर आके हम कह सकते हैं नंबर नॉट फाउंड. सो जब आप इस तरीके से कुछ लिखते हो जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसे हम एल्गोरिदम या सूडो कोड कहते हैं. यहाँ पे आप डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू भी दे दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट अ लैंग्वेज, है ना? ये तो सिर्फ आपका मैसेज कन्वे करने के लिए है कि आप क्या लॉजिक लगा रहे हो. राइट, आई होप लॉजिक सबको क्लियर है. लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिदम यू हैव, है ना? सो लॉजिक आप सबको क्लियर है. सो अब चलो कोड करके देखते हैं. मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया जिसमें मैं इनिशियली कुछ नंबर्स रख रही हूँ. आई एम कीपिंग सम नंबर्स इनिशियली इन दिस. ठीक है, सो 5 लिए हैं, आप जितने मर्जी ले सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू. आप जितने नंबर्स चाहो उतने ले सकते हो. देन आई एम टेकिंग अ वेरिएबल नंबर टू आस्क कि किस नंबर को हमें सर्च करना है. ठीक है, सो ये वाला कोड हम सारा हटा देते हैं. वी विल राइट फ्रेश कोड नाउ. सो जो हमने कल किया था दिस इज ऑल गॉन. ठीक है, सो अभी मेरे पास सिर्फ इतना कोड है. आई हैव एन एरे एंड आई हैव अ वेरिएबल. मैं चाहती हूँ सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज आए एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड. राइट, नंबर आपको इनपुट करवाना है तो आपने इनपुट करवा लिया किससे? स्कैनर से. सो आपके पास नंबर इनपुट होके आ गया. अब नंबर आ गया, अब देखना है कि ये एरे में कहीं पर है या नहीं, और वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लूप. सो मैंने एक लूप लिया. आई इज इक्वल टू ज़ीरो. 5 एलिमेंट्स हैं तो आई लेस देन 5. अगर n एलिमेंट्स होते तो आप आई लेस देन n लिख सकते थे. नाउ यू हैव टू चेक द कंडीशन कि अगर ए आई पे पड़ी हुई वैल्यू नंबर के इक्वल है. सो वी कैन से इट इज़ फाउंड. It is found, and where is it found? So I can print found at position percentage d, या index percentage d. तो अगर आप index print कर रहे हो तो वो 0, 1, 2 की form में print करेगा. पर अगर आप user वाली position print कराना चाहते हो तो आप i plus 1 भी कर सकते हो. उससे क्या होगा कि अगर 0 position पे मिलेगा तो वो 1 print करेगा, है ना? अगर 1 पे मिलेगा तो वो 2 प्रिंट करेगा. सो दैट इज टोटली अप टू योर यूजर इंटरफेस कि आप यूजर को किस तरीके से पोजिशन दिखाना चाहते हो. मैं अभी इंडेक्स ही दिखा रही हूँ एंड आई एम अज्यूमिंग कि नंबर एक ही बार है तो मैं लिख रही हूँ ब्रेक. ब्रेक मतलब लूप इसके बाद नहीं चलेगा. लूप इसके बाद नहीं चलेगा. इफ को मैंने बंद कर दिया, लूप को भी मैंने बंद कर दिया. अब इस लूप से बाहर आने के दो तरीके हैं. या तो नंबर मिल जाएगा और ब्रेक होगा और लूप से बाहर आ जाएगा. जब ब्रेक होता है तो लूप आपका बीच में से टर्मिनेट हो जाता है. मतलब वो अपनी जो फाइनल कंडीशन है ये वाली, यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा, है ना? ज़ीरो पे मैच किया तो आई ज़ीरो होगा, ब्रेक हो जाएगा. वन पे मैच किया तो वन पे ब्रेक हो जाएगा. फोर पे भी मैच किया तो फोर पे ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो फाइव तक कभी नहीं पहुँचेगा. सो फाइव लेस देन फाइव कभी फॉल्स नहीं हो पाएगा अगर ब्रेक होता है तो. और अगर ब्रेक नहीं होता है तो आई इंक्रीज होते 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 कहाँ पहुँच जाएगा? 5 तक. और यही चीज़ को मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ. सो मेरे पास दो तरीके हैं चेक करने के. एक तो यही है कि मैंने कंडीशन दे दी कि अगर आई 5 हो गया, मतलब चलता गया लेकिन कभी मैच मिला ही नहीं, तो आप प्रिंट कर सकते हो नंबर नॉट फाउंड. सो योर आंसर शुड बी कि भाई हमको नंबर नहीं मिला, वी कुड नॉट फाइंड द नंबर इन द एरे. सो ये ब्रैकेट्स वो अपने आप क्लोज कर देता है. मैंने भी क्लोज कर दी थी इसलिए ज़्यादा हो गई है. ठीक है, तो हम हटा देते हैं. सो नंबर नॉट फाउंड. वन कंडीशन इज दिस. इसको पहले रन करके देखते हैं. सो यहाँ पर आया आपके पास इफ़ ए आई इज़ इक्वल टू
अच्छा ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आई को फॉर के अंदर डिक्लेयर किया है, सो ये क्या बन जाता है? लोकल, लोकल मतलब वो सिर्फ फॉर के अंदर ही यूज़ हो सकता है, फॉर के बाहर यूज़ नहीं हो पाएगा, सो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे. नाउ हैव डिक्लेयर्ड आई आउटसाइड, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन. आप नंबर एंटर कीजिए 23, इट इज़ फाउंड एट पोजिशन 2, परफेक्ट. इफ़ आई एंटर 19, इट इज़ फाउंड एट पोजिशन 0, वेरी गुड. If I enter 33, it is found at position 4. Awesome. If I enter 50, it is not there. So number not found. So this is your linear search code in C language. Code C++, Java, sab mein same hi rehta hai. Sirf input output statements aapki change ho jayegi. So this is your linear search code. One option is this. Another way of checking this condition could be कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो. अगर आप C++ कर रहे हो तो आप बूल डेटा टाइप भी ले सकते हो, BOOL, बूल मतलब बूलियन, जो कि ट्रू या फॉल्स होता है, पर ट्रेडिशनल C में वो डेटा टाइप होता नहीं है. यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि ये C, C++ दोनों के लिए चल जाता है, बट हम यहाँ पर अपने ट्रेडिशनल तरीके को यूज़ करेंगे. हम फाउंड को इनिशियली 0 ले लेते हैं. तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, नाम मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी दूँ, आई टेक इट एज 0. सो फाउंड मैंने क्या ले लिया? 0. ठीक है, अब जब भी नंबर मिलेगा, जब नंबर मिलेगा तो ब्रेक करने से पहले, जहाँ पे मैं ब्रेक कर रही हूँ उससे पहले मैंने उसको 1 कर लिया, मतलब ट्रू कर दिया कि हमें मिल गया है, वी हैव गॉट द नंबर. सो बाहर आके अब आपको आई के ऊपर कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फाउंड अगर अभी भी 0 है, दैट मीन्स नंबर इज नॉट देयर. सो इफ यू गिव अ नंबर विच इज देयर, इट विल गिव यू द पोजिशन. If you give a number which is not there, it will say number not found. इसे कहते हैं flag variable. तो जब एक ऐसे extra variable की help से हम true या false check करते हैं in case of break situations, so this type of variable is called flag variable. In Java और C++ हम boolean data type का लेंगे, पर यहाँ पर हम उसको सिर्फ integer से काम चला रहे हैं. So ये आपका code है for linear search. मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ ये code. आप starting से देख लीजिए, ठीक है, और इसको फिर अब आप खुद बना के देखोगे. सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस कोड ऑफ योर ओन. सो मेजर कोड ये लूप के अंदर है, दिस इज योर लीनियर सर्च कोड. सो डू इट ऑफ योर ओन. एंड आपको आप कमेंट्स में क्या करके बताना है, आपका काम क्या है? ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ सिंगल अकरेंस के लिए काम कर रहा है, कि अगर एक बार है तो बता देगा कहाँ पर है. अगर वो एक से ज़्यादा बार हुआ तो क्या करेगा? तो वो नहीं बताएगा. आपको मुझे बताना है कि आप इस कोड में क्या चेंज करोगे कि आपका नंबर जितनी बार भी एरे में है वो हर उस जगह की पोजीशन को प्रिंट करे. आई वांट टू प्रिंट ऑल पॉसिबल अकरेंसेस ऑफ द नंबर इन माय एरे. सो दैट चेंज यू हैव टू डू एंड राइट इट इन द कमेंट्स कि वो कैसे होगा. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको लीनियर सर्च अच्छे से समझ आ गया होगा. इफ़ येस, सो डू क्लिक द like button, subscribe the channel agar abhi tak subscribe nahi kiya, and share it with everyone you know, because I am putting so much of efforts for you and I want ki ye channel jitne logo tak ho sake pahunche, and help me to do that. So I'm not charging you anything for this, so just a bit of help to make this reach as many people as possible. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.